हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल ममता सिंह ब्लॉग में। और अभी सुबह का बज रहा है 6, तो आज मैं जल्दी उठ गई हूँ क्योंकि थोड़ी सी सिलाई बाकी है। मैं सोच रही हूँ आज फटाफट से सब कर लूँ, बहुत सारा काम बढ़ गया है इस बार, डबल काम हो गया है मेरा। खाना बनाना डबल हो गया है, बर्तन डबल हो गए हैं तो आजकल, इसलिए मेरा काम पेंडिंग रह गया है सिलाई वाला। तो ये देखिए, ये सब अभी हम करेंगे। अभी और एक ब्लाउज है, 3-4 सूट फिटिंग करना है, तो आज के दिन करना पड़ेगा वो सब। और अभी चाय बन रहा है, ये देखिए, और घी भी बना रही हूँ। घी भी बहुत दिन से नहीं बनाई, इसी पड़ा है, तो आज सोचा बना लूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं घी बना रही हूँ मलाई से, तो इसको जलने के लिए छोड़ दूँगी लो फ्लेम पे, आस्ते आस्ते जलती रहेगी। और यहाँ पर चाय भी बैठाया है मैंने, तो चाय अभी पीऊँगी। और जब चाय पीती हूँ तो मैं एक दो ब्लाउज हेमिंग करती हूँ। और ये देखिए मेरे किचन की हालत, क्योंकि रात में मैंने इसी तरह छोड़ दिया था, बहुत सारा सिलाई था, तो मैं सोची उसे कंप्लीट ही करूं। तो अभी एक आधा रोटी है, वही खा रही हूं, क्योंकि सुबह उठी थी 6 बजे, मुझे भूख लग जाती है तो मैं खा लेती हूं। तो ये देखिए, ये ब्लाउज़ कंप्लीट करना था तो ये मैंने कर दिया है, और बहुत ही अच्छा लगा इसका गला का डिज़ाइन फ्रंट का। और ये देखिए घी पक गए हैं, इतना घी निकला है, आधा कटोरी निकल जाता है एक हफ्ते के मलाई से। तो ये घी मैं स्टोर कर दूंगी छान के इसको, और इतना वेस्ट हुआ है। और यहाँ पर घी पकाने के बाद मैं आ गई हूँ एक ब्लाउज कटिंग करने। हाँ, कल ना आना, एक दिन छोटे फिर ना आते हैं हम। दो दिन ना नहीं रहो तो याद ना रहे। पहले मैं ना आऊँगी, फिर उसके बाद ना आना। हाँ, पहले मैं ना आऊँगी फिर ना आना। बज रहा है सुबह नहीं, दोपहर का 1:25, और ईशान खा रहा है सूजी। आज मैंने नाश्ता में सूजी बनाया था, तो सुबह ही खाए थे हम लोग, तो बचा है, तो मैं सोची शायद भूख लगा होगा, इसे खिला देती हूँ। और मैं क्या कर रही हूँ, ये देखिए मेरा सिलाई पड़ा है, तो मैं सिलाई करूँगी। और खाना मैंने दाल बना दिया है, और उसको उसकी सब्जी बना रही हूँ। हाँ बाबू, और सोनी गई रेडी होकर अपने दोस्तों के साथ घूमने। तो आज है अष्टमी, तो आप सभी को हैप्पी अष्टमी। कल नौमी है, तो हम लोग कल जाएंगे सब लोग एक साथ घूमने। आज सब अलग अलग घूमने जा रहे हैं, मैं, ईशान और हस्बैंड जी शाम को जाएंगे, और सोनी अपने दोस्तों के साथ गई है। कल हम लोग सब एक साथ जाएंगे। तो अभी फटाफट से खाना बना लो, उसके बाद फिर से करना एक ब्लॉग। हाँ, फ्रेंड्स, अभी हम लोग जाने के लिए रेडी होंगे। और जाने से पहले मैं बना दे रही हूँ लिट्टी पापा के लिए खाना, बैठ के जाऊँगी, क्योंकि आने के बाद टाइम नहीं रहेगा बनाने के लिए, रात हो जाएगा, लेट हो जाएगा शायद। और सोनी भी नहीं है, वो भी आएगी तो खा लेगी इसमें से पूरी, तभी बनने वाला है, थोड़ा सा और है, तो मैं जा रही हूँ रेडी होने। पिटान, आज तो पिटाई खाया है। तो ईशान ने आज बदमाशी की, इसलिए पिटाई खाया है। पूरा मेरा नेल पेंट गिरा के मुँह में, हाथ में लाल लगा लिया था। तो फ्रेंड्स, हस्बैंड जी मुझे चिढ़ा रहे थे कि ये मैंने बीटू से लिया है, ये गाउन टाइप है, अम्ब्रेला फ्रॉक, तो बोल रहे थे इसी तरह के बहुत सारे दिखाई देंगे गाउन में। बीटू से बहुत सारा शॉपिंग हुआ है सभी का, तो मैंने कहा अच्छा जाने दीजिए, मैं कॉमन ही लगूँ। झाड़े देता है, चलो ईशान, चलो 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 जल्दी। कितना बच गया है? 6:30 हो गया है, तो अभी हम लोग निकलेंगे। ना बाबू, आज हम खाते हैं।
खा 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 तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा लगता है, देख सकते हैं आप ये पंडाल का डेकोरेशन, और हर पंडाल का डेकोरेशन थीम कलर सब अलग होता है, तो वही देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो हम लोग निकले हैं, हस्बैंड जी मैं और ईशान स्कूटी से ही निकले हैं घूमने के लिए, और सोनी तो बोल रही कि लेट होगा मम्मी, वो 11 बजे से ही गई है पूजा घूमने। तो देखिए कितने बजे आती है, फ़ोन कर रही हूँ बार बार, कहाँ पहुँची, कहाँ घूम गई हो, तो बोल रही है अभी टाइम लगेगा आप लोग के आने से, थोड़ा पहले आऊँगी। तो हम लोग अकेले अकेले सब लोग घूम रहे हैं। तो यहाँ पर हमने देख लिया 2-3 दुर्गा पूजा, और फिर हम लोग आ गए यहाँ पे। और फ्रेंड्स यहाँ का पंडाल बहुत ही खूबसूरत लगा, देखिए एक यूनिक कलर भी है और थीम भी अलग है, तो अच्छा लगा देखने में, बहुत ही सुंदर सजाया हुआ है, अंदर भी डेकोरेशन बहुत ही अच्छा है, और माँ दुर्गा का भी मूर्ति बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो हम लोग घूमे, आज हम लोग दूर दूर घूम लिए क्योंकि हम लोग स्कूटी पे हैं, गाड़ी से अगर निकलेंगे तो अटके ही रहेंगे क्योंकि बहुत ट्रैफिक होती है, स्कूटी से तो गली गली से भी निकल जाते हैं, पतली गली से। तो यहाँ देखिए दुर्गा माँ की दर्शन कर लीजिए आप लोग भी, और आशीर्वाद ले लीजिए दुर्गा माँ से, हम लोग भी लिए, आप लोग के भी फैमिली में सभी खुश हो और स्वस्थ रहे, माता रानी आप सभी को आशीर्वाद दे और हमें भी आशीर्वाद दे। तो ये देखिए मेरे ईशान को माता रानी को गोद लग रहा है, तो मैं हेलमेट लगा के घूम रही थी, हस्बैंड जी बोल रहे थे हेलमेट लगा के कौन घूमता है निकालो, और जब मैं हेलमेट निकाल रही थी तब मेरा बाल बिगड़ जा रहा था, बार बार ठीक करना पड़ रहा था मुझे। और ये देखिए यहाँ का डेकोरेशन पर्पल और वाइट का कॉम्बिनेशन है, और बहुत ही अच्छा लग रहा है, लाइटिंग देख लीजिए यहाँ की, तो बहुत ही प्यारा सजाया हुआ है। तो यहाँ पर भी हम लोग गए घूम घूम के आए, तो 2-3 बहुत सारा गए हम, मुझे पता भी नहीं है, इसलिए मैं वीडियो बनाते गई हूँ, आप लोग भी देख लीजिएगा, दुर्गा माता के दर्शन कर लीजिएगा, डेकोरेशन हमारे साथ घूमते रहिए, चलिए और भी है बहुत कुछ, तो देखते रहिए हमारे साथ बने रहिए। So if you guys don't mind, can we take a picture with all of you out here? Wow! Thank you.
साथ में पूड़ी हलवा। तो फ्रेंड्स ये यहाँ पर हम लोग आते हैं ज़्यादातर खाना खाने, क्योंकि बहुत ही अच्छा अच्छा खाना मिलता है। और यहाँ का डेकोरेशन भी देख लीजिए, दुर्गा माता के दर्शन भी किए हम लोग। लेकिन खाना खाने के बाद क्योंकि भूख लग गई थी तो हम लोग सोचे पहले खाना खा लेते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग खाना ही खाने आते हैं, गाड़ी खाना है ये तो हम लोग भी आए हैं। तो चलिए हमें सबसे पहले खा रहे हैं पाव भाजी, उसके बाद रुमाली रोटी, पनीर और तड़का दाल। तो हस्बैंड जी ये खाए और मैं पाव भाजी खाई, फिर उसके बाद दही बड़ा खाए हम लोग। तो ये देखिए ये रहा दही बड़ा, चलिए आप लोग भी टेस्ट कर लीजिए, बहुत ही टेस्टी था दही बड़ा। और पाव भाजी भी टेस्टी था, ईशान भी खाया। उसके बाद फिर डोसा लाए हस्बैंड जी, तो डोसा भी हम लोग खाए। सब एक एक प्लेट टेस्ट कर रहे हैं हम लोग, तो डोसा भी खा लिए हम लोग। और यहाँ पर बन रहा है गोला, सब खाने के बाद ऊपर से ये मन किया खाने के लिए गोला, क्योंकि एक बार झुम्पा खिलाई थी मेला में हम लोग गए थे, तो तब से मुझे बहुत ही टेस्टी लगा था। खासकर उसमें जो नमक डालते हैं ना, वो मुझे बहुत ही टेस्टी लगा, तो मैं बोले कि चलिए खाते हैं। तो हस्बैंड जी भी बोले कि सही में बहुत ही टेस्टी लग रहा है, मैं कभी नहीं खाया हूँ, पहली बार खाया हूँ। तो हम लोग खाए, उसके बाद आ गए मंदिर में, जो मैंने उस समय पंडाल दिखाया था वहीं पर आ गए दुर्गा माता के दर्शन करने। तो आप लोग भी कर लीजिए दर्शन। और प्रसाद इस बार जहाँ देखो वहाँ बूंदिया ही मिल रहा था प्रसाद में, पर एक जगह हमें हलवा पूड़ी मिली जो गरम गरम थी, बहुत ही अच्छी लगी, टेस्टी लगी। और यहाँ पर देखिए गणेश भगवान जी की मूर्ति आशीर्वाद दे रहे हैं, बैठे उठे फिर आशीर्वाद दे रहे हैं, बहुत ही अच्छा लगा ये डेकोरेशन डिज़ाइन। तो अब हम लोग चल दिए हैं, अब हम लोग खा लिए हैं इतना ना कि अब कहीं घूमने का मन नहीं कर रहा है, एकदम जैसे लग रहा है कि अब घर पहुँचे और सो जाए आराम करें। तो हम लोग सोचे कि अब चलो अब कहीं नहीं चलते हैं, सीधा घर चलते हैं। वैसे भी लेट हो गया है, 10:30 हो गया है, तो हम लोग सोचते हैं कि घर पहुँचे जल्दी। तो यहाँ पर स्कूटी पार्क किए हैं हस्बैंड जी और ले लिए हेलमेट और मैं भी लगा ली हूँ, तो अभी हम लोग जाएँगे। और बहुत ही ठंडी लग रही थी वहाँ पर, पता नहीं इतना ठंड लग रही थी, मैं तो कुछ पहनी नहीं थी। और ये देखिए हम लोग आ भी गए घर, और आए तो सोनी आ गई थी और चाय और पूड़ी खा रही थी, भूख लगा होगा उसे। ले ले हाँ, तुम लोगों का मूड खराब है, तुम लोग ऐसे चेंज कर लिया। तो फ्रेंड्स आने के बाद एक दो रील बनाई, उसके बाद चेंज किया कपड़े, फिर चाय बनाई, चाय और रोटी था तो वो खाए हम लोग। और ये वीडियो बस यहीं तक फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।